दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये 1992 में ये बनाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ। और ये जो रेगुलेटर है, एक बॉडी है और एक गार्जियन आप समझ सकते हैं, जो कि पूरे कैपिटल मार्केट को देख रेख करती है, उसको रेगुलेट करती है। और गवर्नमेंट ने इस बॉडी को इसलिए बनाया कि आम जनता का पैसा जो है सेफ रहे और हमारा कैपिटल मार्केट जो है सही तरीके से चले। दोस्तों कैपिटल मार्केट जो है किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज के दिन में जो कंपनी जो है लाखों करोड़ रुपया रुपया जो है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट से रेज करती है। और गवर्नमेंट में इस रेगुलेटर की स्थापना इसलिए की कि 1992 के पहले काफ़ी घोटाला होता था, सिस्टम जो था अनसिस्टमेटिक वे में चलता था, जिसमें कैपिटल मार्केट जो था एज ए जुए के अड्डे की तरह काम करता था और आम जनता को उस पर विश्वास कम होते जा रहा था। तो 1992 में गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की सेबी के नाम से, क्योंकि आम जनता का जो विश्वास जो है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में स्थापित हो और लार्ज नंबर में हम आप आए और इन्वेस्टर्स आम पब्लिक से पैसा रेज कर सके। दोस्तों आप लोगों ने रिलायंस की तो कहानी सुनी होगी। दोस्तों जब धीरू भाई अंबानी जो हैं, बैंक ने जब उनको मना कर दिया था लोन देने के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट में वो गए, स्टॉक मार्केट में गए, उन्होंने करोड़ों रुपया उन्होंने रेज किया जनरल पब्लिक से शेयर के द्वारा और उन्होंने रिलायंस को एक्सपेंड कर लिया। तो इन द सेम वे कोई भी इन्वेस्टर जो है कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करती है। और पर्पस क्या था दोस्तों? एक तो पर्पस था कि अनफेयर माल प्रैक्टिसेस को रोकें, आम जनता का प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। और पर्पस ये भी था कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि इन्वेस्टर जो है मार्केट से पैसा, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर से पैसा रेज कर पाए और एक प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट और इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो कि बेनिफिशियल हो इन्वेस्टर्स के लिए और इंटरमीडियरीज के लिए भी। और दूसरा जो पर्पस है सेबी का को फॉर्म करने का, कि एक्यूरेट इन्वेस्टर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है आम जनता तक, इन्वेस्टर तक वो पहुंचा पाए, टीवी के द्वारा हो सकता है या न्यूज़पेपर के द्वारा हो सकता है। अब ऐसा ना हो कि एक भय का माहौल क्रिएट हो जाए, एक गलत इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो आज के दिन में दोस्तों शेयर मार्केट जो है कैपिटल मार्केट में, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है शेयर में, और गलत इन्फॉर्मेशन अगर क्रिएट होता है मार्केट में तो आम जनता को लॉस हो भी, आम जनता को भी लॉस हो सकता है, कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में शेयर को लिस्टेड है तो उनका भी लॉस हो सकता है। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है से भी प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस क्या है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को की स्थापना की। एक ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मॉनिटर करे एज ए गार्जियन के तौर पे।
और देखिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, उसके हित को सेफ गार्ड करें। और तीसरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है सेबी का, टू डिफाइन द कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक ब्रोकर, अंडरराइटर और इंटरमीडिएट्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उसको फॉलो करें। अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया होगा तो हर एक आदमी अपने अपने तरीके से चलते रहेगा, तो सिस्टम जो है सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, मूव नहीं करेगा। इसीलिए सेबी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और हर एक आदमी, इन्वेस्टर, अंडरराइटर, इंटरमीडिएट, सबको उसी के अकॉर्डिंगली चलना है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों फंक्शन क्या क्या है सेबी का वो हम लोग देखते हैं। फंक्शन है टू चेक द प्राइस मैनिपुलेशन। प्राइस मैनिपुलेशन का ये मतलब है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक कंपनी का जो के लिए जो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, अच्छा न्यूज है, उसके को अच्छा न्यूज है तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा और ख़राब न्यूज है तो नीचे जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्ट टर्म मनी कमाने के चक्कर में प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब कि प्राइस को ऊपर और नीचे कर देते हैं बिना किसी रीजन के। प्राइस, शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और बिना किसी रीजन के शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे हर्षद मेहता के केस में हुआ और भी काफ़ी घोटाला हुआ उस केस में हुआ, तो उस इस टाइप जिसमें लाखों इन्वेस्टर्स को पैसा डूबा और उनका फेथ जो है स्टॉक मार्केट से ख़त्म हो गया। तो ऐसी घटना ना हो इसीलिए उन्होंने सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, वो देख रहे हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो। और दूसरा फंक्शन है कि सेबी का कि वो इनसाइड ट्रेडिंग को बैन करे। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक के पास में पहुंचना चाहिए टीवी के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा, जो कि प्राइस, शेयर के प्राइस को फ्लक्चुएट करता है, उसको ऊपर ले जा सकता है या नीचे ले जा सकता है, अगर यही इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक से पहले इनसाइड, जो कंपनी के इनसाइडर है, मालिक है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, जो नज़दीकी है, और उनको अगर वो पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो पहले से शेयर परचेज कर लेंगे और जनरल पब्लिक के पास में बाद में इन्फॉर्मेशन जाएगा, तब तक शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। तो जब जनरल पब्लिक के पास में ये न्यूज जाएगा तो जनरल पब्लिक इसको परचेज करेगी, तब तक, और इनसाइडर उसको बेच के निकल जाएगा, इसमें क्या होगा, लॉस होगा। बस दोस्तों मैं इसको आपको ऐसे भी समझाना चाहूंगा, जैसे कि रिलायंस ने बॉम्बे बेसिन में वहां बहुत बड़ा रिजर्व, उन्होंने तेल का उन्होंने खोज किया, तो सेबी का ये इंस्ट्रक्शन है कि ये कोई भी जानकारी जो है सबसे पहले जनरल पब्लिक को जाए, ना कि इनसाइडर को जाए, और इन्फॉर्मेशन कोई खोज हो या कोई इन्फॉर्मेशन उसके, जैसे कि उन्होंने खोज किया, अगर इनसाइडर को ये चीज़ पता है तो पहले ही जो खोज होते ही सारे इनसाइडर है अपने पूरा भर लेंगे, पूरा शेयर खरीद लेंगे, तो शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाएगा। और जनरल पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो उनके पास में होगा नहीं, तो वो वंचित हो जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने से, तो उनका लॉस होगा। और भी इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब है एक इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को होना चाहिए, को राइट है, जैसे कि कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है जिसके कारण शेयर का प्राइस जो है काफ़ी तेजी से ऊपर इंक्रीज हो सकता है, अगर इनसाइडर को, जो कंपनी के नोन है, इनसाइडर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पता हो तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं कमा पाएंगे, लॉस हो जाएगा। तब
गवर्नमेंट का ये है, सेबी का ये इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है वो सबसे पहले पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ना कि इनसाइडर के पास में होना चाहिए। तो सेबी ने किया कि इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया जाए, और कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो बंदा जेल में जा सकता है, कई बार हुआ भी है, उस पर फाइन किया जा सकता है कंपनी में। और हर एक कंपनी का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आपका इस तरह के कोई न्यूज है जो शेयर के प्राइस के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है, उसको आप सेबी के पोर्टल पे डालें, न्यूज चैनल पे पहले प्रसारित करें, न्यूज़पेपर में दें, ठीक है। फिर दोस्तों सेबी का अगला फंक्शन है टू प्रोहिबिट द अनफेयर एंड फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस। जो फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है जो है, जो हर्षद मेहता के केस में है, उसको रोका जाए, उसको रोके, ये भी फंक्शन है सेबी का। और फिर हम आते हैं सेबी का अगला फंक्शन है कि ये एजुकेट करे, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करे कि उसको शिक्षित करे स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। आप लोग दोस्तों टीवी में ऐड भी आता होगा, एक तो अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं कि कोई भी ओटीपी जो ओटीपी को उजागर नहीं करें, पासवर्ड नहीं बताएं, इसी तरह आपका ऐड आता है टीवी में कि म्यूचुअल फंड जो है ये मार्केट रिस्क से जुड़ा है। तो ये सब जो पैसा है सेबी से आ रहा है टीवी पे एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो जनरल पब्लिक को एजुकेट करती है। जैसे टीवी में, सीएनबीसी न्यूज में भी आप लोग देखते होंगे कि वहाँ वो आता है कि एसएमएस या व्हाट्सएप न्यूज पे आप विश्वास ना करें आप, कि एक दिन में ही आपका पैसा जो है 1 महीने में ही आपका पैसा जो है 5 गुना और 10 गुना हो जाएगा। तो ये सब जो पैसा आता है एडवर्टीजमेंट का, ये सेबी के द्वारा आता है। तो ये भी जो काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो काम है, ये सेबी का काम है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों सेबी का क्या स्ट्रक्चर है। सेबी का जो बोर्ड मेंबर है, जितने लोग देख रेख करते हैं, उसमें बोर्ड में 9 मेंबर हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। एक जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड है, दूसरा जो है आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड है, दो फिर दो जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपॉइंटेड है, अब 5 जो मेंबर है इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। दोस्तों यही है सेबी, और फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में, नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।